हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस के ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के अध्याय 2 बायोलॉजी का, जो कि चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जानेंगे आज के इस वीडियोस में किस तरह से अलग अलग वैज्ञानिकों ने जीवों को अलग अलग जगत में वर्गीकृत किया है, किस किस आधार पर वर्गीकृत किया है, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियोज में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग एस के ट्यूटोरियल चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करूं मैं सबसे पहले जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में, तो सबसे पहले नाम आता है अरस्तु का। यानी अरस्तु ने जो है बेसिकली वर्गीकरण प्रणाली को, यानी कि इस दुनिया में जो है ना टोटल कितना जीव जंतु होंगे, टोटल पेड़ पौधे की प्रजातियां, इसके बाद जीव जंतु, तो अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ जो पेड़ पौधे हैं वो 5 लाख प्रकार के हैं, और 15 लाख प्रकार के जो है ना जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, टोटल सभी को मिला करके। यानी कि इन सभी को एक वर्गों में बांटने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह का वर्गीकरण प्रणाली को दिया है। तो सबसे पहला नाम आता है पहले अरस्तु का। अरस्तु ने क्या बताया कि अरस्तु द्वारा सुझाई गई वर्गीकरण प्रणाली में उन्होंने कहा, जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने। और उन्होंने पादपों और प्राणियों का वर्गीकरण किया। किसका? पादप और प्राणी। पादप मतलब पेड़ पौधे और प्राणी मतलब जीव जंतु का वर्गीकरण के लिए किया। तो अलग अलग वर्गीकरण तो अरस्तु ने दो भागों में वर्गीकरण किया। पहला में पादप का वर्गीकरण, दूसरा में प्राणियों का वर्गीकरण। पादप का वर्गीकरण में आता है, अरस्तु ने पादपों को सरल अकारिकी लक्षणों के आधार पर, यानी कि पेड़ पौधों के लक्षण यानी उसके साइज के आधार पर, आकार के आधार पर, अरस्तु ने पेड़ पौधों को 3 कैटेगरी में बांटा। पहला वृक्ष, दूसरा झाड़ी और तीसरा शाक। चलिए समझते हैं ये वृक्ष को, झाड़ी को, यानी कि ये जो झाड़ी है, और शाक को क्या है ये? तो बेसिकली वृक्ष जो होता है, वैसे पौधे जो बहुत लंबे लंबे होते हैं उसको बोल दिया वृक्ष। तो उसके आकार के आधार पर अरस्तु ने वृक्षों को अलग अलग क्लास में, वर्गों में बांटा। इसके बाद आता है झाड़ी, जो जंगल झाड़ होते हैं, छोटे छोटे जंगल होते हैं, ठीक है, लत्ती सब होता है, उसी को क्या कहते हैं झाड़ी। साक में वैसे लकड़ी जिसका कि मतलब कह सकते हैं जिसका लकड़ी हो सकता है, वैसे पौधे जिसका लकड़ी हो सकता है, यानी जिससे बेसिकली फर्नीचर का चीजें भी बन सकता है, उस तरह के पौधों को। तो इसको, पादप को, उसके ऊंचाई के आधार पर, उसके आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा है। आकार की लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में बांटा है। इसके बाद प्राणी को उन्होंने बेसिकली रक्त के आधार पर बांटा है। कहता है अरस्तु ने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया है। यानी कि अगर अरस्तु था वो मतलब जीव जैसे जानवर में आता है, जैसे कि इंसान भी आ गया, इंसान भी एनिमल में आता है, गाय भैंस बकरी ये सब भी, तो क्या किया अरस्तु ने जीवों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली को लाया, वो लाल रक्त है। बोला कि लाल रक्त का जिस जीव का होगा उसको एक कैटेगरी में रखेंगे, और वैसा जीव जिसका लाल रक्त नहीं होगा, जैसे कि भौवा पिल्लू, उसका देखेंगे आप खून जो होता है वो हरा कलर का होता है, इस तरह के जीवों को अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो प्राणियों का वर्गीकरण खून के आधार पर, रक्त के आधार पर किया, और पेड़ पौधों का उसके सरल आकार की लक्षणों के आधार पर किया। कौन? अरस्तु ने। इसके बाद अरस्तु के बाद आते हैं दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है लिनियस। कैरोलस लिनियस ने दिया वर्गीकरण का, के द्वारा दिया गया वर्गीकरण जो था उसका नाम था द्वि जगत पद्धति। क्या नाम था? द्वि जगत पद्धति। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ पे तो कि द्वि जगत पद्धति किसने दिया? द्वि जगत पद्धति किसने दिया? तो द्वि जगत पद्धति किसने दिया? तो बोलेंगे कैरोलस लिनियस ने। तो इसमें क्या हुआ ना कि लिनियस ने पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्वि जगत पद्धति को विकसित किया था, जिसमें पादप को प्लांटी कहा था। पादप को क्या बोला? यानी पेड़ पौधा को प्लांटी बोल दिया में, और प्राणियों को एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया, यानी कि प्राणी जितने जीव जंतु हैं उसको एनिमेलिया ग्रुप में रख दिया और जगत में वर्गीकृत कर दिया। कौन? कैरोलस लिनियस ने। इसके बाद ये दो कैटेगरी में बांट दिए, यानी कि पादपों को, पेड़ पौधे को प्लांटी जगत में रख दिए, और जितने भी जीव जंतु हैं सभी को एनिमेलिया ग्रुप में रख दिए, वर्गीकृत कर दिए। इसके बाद इसी द्वि जगत पद्धति में कुछ कुछ कमी भी था। क्या कमी था? जैसे यह पद्धति कुछ काल तक अपनाई गई, मतलब कुछ समय तक के लिए ये पद्धति अपनाई गई थी, लेकिन इस पद्धति के अनुसार यूकेरियोटिक और
एवं प्रोकैरियोटिक असीम केंद्रीकी एक कोशिकी एवं बहुकोशिकी तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। यानी कि इस जगत में बेसिकली द्वि जगत पद्धति जो है इसमें क्या किया गया कि सभी जीवों को रख दिया गया सीधा सीधा कि सारा प्लांट जो होगा वो रहेगा प्लांटी में, सारा जीव जंतु जो रहेगा वो रहेगा इसमें एनिमेलिया ग्रुप में। तो इसमें क्या होता था कि वैसे पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है और वैसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है उस दोनों को अलग कर पाना मुश्किल रहता था। यानी कि ठीक ठीक ढंग से वर्गीकृत नहीं किया गया था, सीधा बोल दिया सब जितना भी प्रकार का प्लांट है सब पौधा रहेगा प्लांटी ग्रुप में और सभी जो जीव जगत है मतलब कह सकते हैं प्राणी जो है वो एनिमेलिया ग्रुप में रहेगा। यानी ठीक तरह से ये वर्गीकृत इसमें भी नहीं था, जैसे तैसे कर दिया गया। इसके बाद जो है आरएच वेटेकर नाम का साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने वर्गीकरण प्रणाली को पांच जगत में बांटा। कितने जगत में? पांच जगत में बांटा। और कितना ईस्वी में बांटा? 1969 ईस्वी में। क्या नाम था साइंटिस्ट का? आरएच वीटेकर, वीटेकर के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। और पांच जगत वर्गीकरण में मोनेरा आता है पहला नंबर पे, दूसरा में प्रोटिस्टा, तीसरा में फंजाई, चौथा में प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्लांटी और एनिमेलिया जो है ये तो कैरोलस लिनियस ने दिया ही था, तो यानी कि तीन ठो दिया कौन? आरएच वेटेकर ने। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी, मोनेरा प्रोटिस्टा और फंजाई को। यानी कि इसमें वर्गीकरण का आधार क्या था? यानी कि आरएच वेटेकर जो है अपना जो वर्गीकरण प्रणाली को दिया था उसका वर्गीकरण का आधार क्या था? वो देखा कोशिका के संरचना के आधार पे, जीवों का कोशिका का संरचना देखा, थैलस संरचना को देखा, पोषण की प्रक्रिया यानी कि खाना पीना खाने की प्रक्रिया, उसके पचाने की प्रक्रिया को देखा, फिर प्रजनन करने की प्रक्रिया को देखा और जाति वृत्तीय संबंध है। ये सभी आधार को सभी को देखते हुए वो जीव जगत को जो है पांच प्रणाली में बांट दिया। तो ये प्रमुख मानदंड हैं। तो ये टोटल आपका आपके स्क्रीन के जो ऊपर है ये पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले पांच जगत जो है निम्न प्रकार से है। पहला जगत में आता है मोनेरा जगत और दूसरा जगत में आता है आपका बेसिकली प्रोटिस्टा, तीसरा में फंजाई, चौथा में प्लांटी और पांचवा में जंतु। तो याद रखिएगा पांच जगत प्रणाली का वर्गीकरण किसने दिया है? तो यहाँ पर बोलेंगे आर एच वीटेकर ने दिया है। कब दिया था? वीटेकर ने दिया था। कब दिया था? 1969 में। कब दिया था? 1969 में वीटेकर ने। किसने दिया था? वीटेकर ने। अब हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं इसी चीज को डिटेल में कि मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं, प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं और फंजाई जगत में कौन कौन से जीव आते हैं, प्लांटी जगत में कौन कौन से जीव आते हैं, जंतु जगत में कौन कौन से जीव आते हैं, सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है मोनेरा जगत, जिसको कि हम लोग आज पढ़ेंगे मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं, किस तरह के जीव आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किंगडम मोनेरा, यानी कि मोनेरा जगत, इसमें आता है सभी प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब होता है वैसे जीव जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, यानी कि वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। वैसे जीव को हम लोग मोनेरा जगत के अंदर, वैसे जीव को हम लोग मोनेरा जगत के अंतर्गत रखते हैं। और जीवाणु जो होता है वो सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं और जीवाणु सब जो होता है वो सब मोनेरा जगत में ही आता है और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। कौन चीजें? मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जीवाणु जो होते हैं। और मुट्ठी भर मिट्टी अगर लेंगे आप तो उस मिट्टी में 100 जीवाणु मिल जाएगा, सैकड़ों भर जीवाणु मिल जाएगा। जीवाणु जो है प्रतिकूल आवास में ही पाए जाते हैं, जैसे कि गर्म पानी के झरनों में भी जीवाणु पाए जाते हैं, मरुस्थलों में भी झरना में भी बेसिकली जीवाणु पाए जाते हैं, बर्फ में भी जीवाणु पाए जाते हैं, गहरे समुद्र की पानी में भी जीवाणु पाए जाते हैं। यानी कि जीवाणु हर जगह पाए जाते हैं। तो मोनेरा जगत में क्या आ जाते हैं? पहला जीवाणु और एक कोशिकीय जीव और प्रोकैरियोटिक जीव आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं जो कि कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक जीव। तो प्रोकैरियोटिक जीवों के उदाहरण जो है क्या क्या है? पहले आद्य बैक्टीरिया, जिसको हम लोग पुरातन जीवाणु कहते हैं, यानी कि बहुत पुराना जीवाणु, यानी आधा बैक्टीरिया रहेगा। और यूवे बैक्टीरिया यानी कि सत्य जीवाणु, साइनो बैक्टीरिया, ये सभी बेसिकली अंग्रेजी नाम है और इसका हिंदी नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी और नील हरित शैवाल ही कहते हैं उसी को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, जिसको कजली बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में। माइक्रोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटी कोशिका, हम लोग इसी को बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा। इसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सी, क्लेमाइडी, ये सभी एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक जीवों के उदाहरण है, जो कि ये सभी एक
एक कोशिकीय जीव है कह सकते हैं, और इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसके कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि डायरेक्टली इसका जो सभी चीजें ओपन रहता है। तो आई होप इधर समझ गए होंगे आप लोग चीजों को। तो प्रोकैरियोटिक जीवों के उदाहरण यही है। मोनेरा जगत में कौन कौन आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, प्लस सूक्ष्म जीव आते हैं, जीवाणु आते हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कुछ बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया भी आते हैं। तो पहला नंबर पर हम लोग बैक्टीरिया देखते हैं। कहते हैं आकृति के आधार पर जीवाणु को चार समूह गोलाकार, तो चार समूह में आकृति के आधार पर जीवों को बांटा, जीवाणुओं को बांटा गया है। जीवाणु का भी आकार होता है अलग अलग, जैसे एक दो तीन और चार अलग अलग आकृति में बांटा गया है। जैसे गोलाकार जो आकृति होगा उसको हम लोग कोकस बोलते हैं, या फिर उसको बहुवचन कोकाई होता है। जो छड़ाकार यानी कि इस तरह से छड़ वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बेसिलस कहते हैं, इसी का बहुवचन बेसिलाई होता है। कामा आकार जो होता है यानी कि ये वाला, इसको हम लोग विलिब्रियम कहते हैं, या बहुवचन विब्रिया होता है। सर्पिलाकार मतलब इस तरह से जो कि स्पाइरिलम होता है, बहुवचन स्पाइरिला होता है, आदि में बांटा गया है। ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया का साइज आकार आकृति अलग अलग प्रकार का होता है, इसीलिए इसको अलग अलग तरह की कैटेगरी में बांटा गया है। अब बैक्टीरिया में संरचना में, बैक्टीरिया के संरचना में अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं। देखने में तो बैक्टीरिया बहुत ही सरल सा लग रहा है, लेकिन परंतु इनका व्यवहार जो होता है वो अत्यंत ही जटिल होता है, यानी इसका व्यवहार जो होता है बहुत ही ज्यादा जटिल, यानी कि बहुत ज्यादा इसका जो नेचर होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब कहते हैं उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब डायवर्सिटी, मतलब बहुत ज्यादा कुछ करने की इसके पास अपॉर्चुनिटी रहता है। किसके पास? बैक्टीरिया के पास। बैक्टीरिया कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीजों के साथ रह सकता है, हर एक सिचुएशन में ढल सकता है, यानी कि कह सकते हैं बैक्टीरिया जो है कुछ भी कर सकता है कुल मिलाकर के। बैक्टीरिया के बाद आगे आते हैं हम लोग आद्य बैक्टीरिया। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये जो बैक्टीरिया है आद्य बैक्टीरिया, इसको हम लोग विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया बोलते हैं, और यह प्राचीनतम जीवाणु का समूह है, और उद विकास की दृष्टि से ये सबसे आदिम है, और अपने आदिम लक्षणों के साथ आज भी उपस्थित है, यानी आज भी कह सकते हैं ये आद्य बैक्टीरिया अभी भी उपस्थित है। कहते हैं इन्हें सबसे पुराने जीवित जीवाश्म माना जाता है, और कहते हैं ये जीवाणु पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न एमसीक्यू बन सकता है कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले सबसे पहले सबसे पुराने जीवाणु कौन से हैं, तो बोलिएगा आद्य बैक्टीरिया। और इनमें अविकल्पी अनाक्सी श्वसन पाया जाता है, यानी अनाक्सी श्वसन मतलब बिना ऑक्सीजन के श्वसन, अनाक्सी श्वसन। और कहते हैं इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति की संरचना अन्य यूवे बैक्टीरिया से भिन्न होती है। कहते हैं यही लक्षण इन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र हेलोफी, गर्म झरनों, थर्मो एसिडोफिलस कच्छ क्षेत्र यानी कि मेथेनोजेन आदि में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बजाय जटिल पॉलीसेकेराइड तथा पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं मेथेनोजेन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं, तथा इनके गोबर से मीथेन जैव गैस का उत्पादन जो होता है यही आद्य बैक्टीरिया के वजह से होता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें यहाँ पे तो थर्मोकोकस, मिथेनोकस और मिथेनोबैक्टीरियम से होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से पुरातन जीवाणु के प्रकार में हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग पुराना जीवाणु बोलते हैं, इसमें आता है हेलोफिलस। ये अत्यधिक लवणीयता होता है, लवणता इसमें ज्यादा पाया जाता है, वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। और कहते हैं उदाहरण के लिए हेलो बैक्टीरिया, हेलो के कोकस, ये सभी जो है बेसिकली पुराना जहां पर लवण ज्यादा पाया जाएगा उस क्षेत्र में ये सभी जीवाणु पाए जाते हैं। कहते हैं मिथेनोजेंस ये दलदल अथवा कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं। दलदल मतलब जहां कीचड़ वाला एरिया होगा, जहां पर धंसता है पैर वगैरह सब देने से, या फिर कच्छ यानी कि कह सकते हैं रेगिस्तान वाला एरिया में जहां पर बालू बहुत ज्यादा होगा, ये जीवाणु गोबर का किण्वन करके मिथेन गैस जैव गैस का उत्पादन करते हैं। यानी कि यही जीवाणु के वजह से गोबर का जो बेसिक गोबर से गोबर गैस बनाया जाता है। उदाहरण के लिए मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, रूमिनोकोकस, ये सभी जो है ना बेसिकली जीवाणुओं का नाम है। ये सभी जीवाणुओं के वजह से गोबर गैस का निर्माण किया जाता है गोबर से। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर में, थर्मो एसिडोफिल्स, ये गर्म पानी के गंधयुक्त झरनों में पाए जाते हैं। बेसिकली ये गर्म पानी का जो गंधयुक्त झरना होता है जिसमें महकता है पानी जिसका, उसमें पाए जाते हैं ये थर्मो एसिडोफिल्स टाइप नाम का जीवाणु। ये कहते हैं ये रसायन स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद से बना लेते हैं ये केमिकली। इनमें अपवाद स्वरूप विकल्पी वायवीय श्वसन भी पाया जाता है। उदाहरण के लिए थर्मोप्लाज्मा और सल्फोलोगस नाम का जो जीवाणु होता है इस तरह इसके अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यूबे बैक्टीरिया।
या यू बैक्टीरिया क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है यू बैक्टीरिया, कहते हैं इन्हें सत्य जीवाणु भी कहते हैं, इसे सत्य जीवाणु कहते हैं और इनकी पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाव फ्लेजेलम चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। यानी कि इनका जो पहचान होता है वो कठोर कोशिका भित्ति इसका होता है और कसाव फ्लेजेलम चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है, चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। यानी कि सीधा समझिए इसको कठोर कोशिका भित्ति जिसका रहता है उसे हम लोग यू बैक्टीरिया कहते हैं। एंटोन वॉन लीवेनहॉग, यानी कि एंटोन लीवेनहॉग ने सबसे पहले जीवाणु का परीक्षण बरसात के ठहरे हुए पानी और दांतों के मैल स्कम में किया था। यानी कि समझ में आ गया, जो बारिश होता है जहां तहां जो रोड पे पानी लग जाता है उस रुके हुए ठहरे हुए जमे हुए पानी में सबसे पहले लीवेनहॉग एंटोनी लीवेनहॉग ने इस जीवाणुओं को खोजा था जहां पर बरसात का पानी जो लग गया था और दांतों के मेल यानी कि दांतों की गंदगी में स्कम में पाया गया था उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था। इन्होंने इसे एनिमल क्यूल नाम दिया था, यानी कि जो हम लोग का एंटोनी लीवेनहॉग नाम का वैज्ञानिक है इन्होंने नाम दिया था इसे एनिमल क्यूल नाम का। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता में पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविक के उत्पादन में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। बैक्टीरिया में जनन जो होता है बेसिकली प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो बैक्टीरिया में जो जीवों में जनन होता है वो बेसिकली विभाजन करके होता है, कोशिका में विभाजन करने से होता है और कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। यानी कि लैंगिक जनन होगा तो डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होगा ही, तो इस तरह से यू बैक्टीरिया के अंदर आता है। तो यू बैक्टीरिया को हम लोग सत्य जीवाणु भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं साइनो बैक्टीरिया। ये सभी आते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है, इन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ये नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया को ही कहते हैं और इनमें हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल। इसमें यहाँ पे हेट्रोसाइट्स होता है, माइक्रोन्यूस सीथ होता है। ये डायग्राम है बेसिकली नील हरित शैवाल का नॉन स्टॉक का। साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी प्रायः जेलिनुमा आवरण से ढकी रहती है जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। यानी गंदा पानी में जो कजली लग जाता है नीचे में बैठ करके उसी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक सा नोटिफिकेशन, ये अपडेट। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गया होगा साइनोबैक्टीरिया। आगे आता है साइनोबैक्टीरिया के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया भी अलग अलग रूपों में पाया जाता है। पहला एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्यूलर, इनमें एकल कोशिका ही जीव की भांति व्यवहार करती है। उदाहरण के स्वरूप स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि SCP कहलाता है। और कोलोनियल निवही, कुछ नील हरित शैवाल अनेक कोशिकाएं बनाकर समूह बनाते हैं, उदाहरण स्वरूप एनाबीना। तो ये जो है कोलोनियल निवही यानी कि साइनोबैक्टीरिया है। अगला है फिलामेंटसीय तंतुमयी, यानी कि कुछ नील हरित शैवाल में कई कोशिकाएं एक कतार में व्यवस्थित होकर तंतुमय संरचना बनाती है जिसे, और नील हरित शैवाल के तंतु को ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकोम कहते हैं, यानी कि फिलामेंटसीय तंतुमय इसको कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के विभिन्न रूप कौन कौन सा है? पहला एक कोशिकीय, दूसरा कोलोनियल जिसको हम लोग निवही बोलते हैं, और तीसरा फिलामेंटसीय तंतुमय यानी कि फिलामेंट के जैसा दिखता है। और लास्ट आता है हम लोग के मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह से पाए जाते हैं। सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। लास्ट पॉइंट जो हम लोग के स्क्रीन के ऊपर है वो है माइक्रोप्लाज्मा। तो माइक्रोप्लाज्मा का आप डायग्राम देख रहे हैं कि पहला सबसे बाहरी आवरण जो है वो लिपोप्रोटीन झिल्ली से मिलकर बना हुआ होता है, यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको लिपोप्रोटीन कहते हैं। और ये घुलनशील होता है RNA में। और राइबोसोम यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है, राइट। और यहाँ पर ये DNA है, ये माइकोप्लाज्मा की कोशिका झिल्ली है। आगे बढ़ते हैं ये माइकोप्लाज्मा के बारे में। कहता है ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है। इसका मतलब ये जीव वाला बेसिकली है। और अतः इन्हें पादप जगत से के जोकर भी कहते हैं। इसे पादप जगत के क्या कहते हैं? जोकर कहते हैं। याद रखिएगा, पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं? तो यही माइकोप्लाज्मा को। और ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। जीवित कोशिका में सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। मीजोसोम के अभाव के कारण
अब कहते हैं अनेक माइक्रोप्लाज्मा एवं प्राणियों के लिए रोगजनक होते हैं। अनेक जो माइक्रोप्लाज्मा होते हैं, माइक्रोप्लाज्मा पादप एवं प्राणियों के लिए क्या होता है, रोगजनक होता है। और ये अचल एक कोशिकीय, यानी कि ये चल फिर नहीं सकता है, और ये एक कोशिकीय होता है, और ये सूक्ष्मतम प्रोकैरियोटिक जीव है। ये कैसा सूक्ष्मतम, सबसे छोटा से छोटा ये प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव का मत कहने का मतलब है कि ये एक कोशिकीय जीव है। उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। ये था मोनेरा जगत का बातें। अगला जो है मोनेरा जगत के बाद जो प्रोटिस्टा आता है, मोनेरा प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा जगत को हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, ये एपिसोड से रिलेटेड किसी भी तरह का दुख तकलीफ है, किसी भी तरह का समस्या है, कहीं पर भी समझने में नहीं आया, तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए स्पेशल वीडियोस बना करके उस आपका डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो इसी विचार के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रोटिस्टा जगत को, उसको डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी विचार के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।